आज 14 फरवरी को जीरकपुर नगर परिषद के चुनाव का वोटिंग दौर शुरू हो चुका है। उसी सिलसिले में आज हमारी संवाददाता ने की लोगों से बातचीत, आइए जानते हैं उनके रिव्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज में। आज 14 फरवरी को हो रहे चुनाव के बारे में आइए जानते हैं वोटर्स के रिव्यूज। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अंदर मैम क्या सब चल रहा है, आप हमें बताएंगे इसके बारे में? अंदर अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग तो है, सारे वार्ड्स भी अलग अलग बटे हुए हैं, सबने मास्क डाला हुआ है, ग्लव्स डाले हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है इस पैंडमिक के टाइम पे। और हाँ, हमारी ड्यूटी है टू वोट, सो आई विल डेफिनेटली से कम एंड गिव योर वोट, दैट्स योर राइट। कैसा लग रहा है आपको वोट दे के? अच्छा लग रहा है। आई होप जिनको वोट दे रहे हैं वो काम करें फॉर दिस प्लेस एंड एरिया एंड मेक दम नीट एंड क्लीन, बिकॉज एक काफ़ी डर्टी एरिया है यहाँ पर सारा। सो आई विश जिसको वोट दिए वो काम करेगा। हाँ बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग वोट दे रहे हैं, अपना अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं सब। बाकी सबकी किस्मत आप जो भगवान जाने, किसी को कुछ कह नहीं सकता इंसान, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज़ में। आज 14 फरवरी को हो रहे चुनाव के बारे में आइए जानते हैं वोटर्स के रिव्यूज़। हेलो मैम, अंदर क्या सब चल रहा है मैम, एक बार आप हमें बताएंगे? दे आर टू बूथ्स और दोनों बूथ में डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ लाइन्स हैं एंड सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मेंटेन तो है नहीं, बट या दे हैव केप्ट सैनिटाइजर्स, बट या दैट्स जस्ट अबाउट इट। हम लोग अंदर गए, अपना वोट दे के आए क्वाइटली और बाहर आ गए। और अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे। हाँ, थैंक यू मैम। हमारा भी इंटरव्यू सर, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन हो जी? थोड़ी बहुत है, 100% तो नहीं है, दैट कैन बी अंडरस्टूड, क्योंकि माहौल ऐसा है यहाँ। सर कैसा लग रहा है आपको वोट दे के? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और हमको लग रहा है कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट डाला है वो ज़रूर जीतेगा और रिजल्ट देगा, वी आर वेरी श्योर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो वोट डाला है वो एरिया की डेवलपमेंट के लिए डाला है, पीर मिशला की डेवलपमेंट के लिए डाल रहा हूँ, ताकि यहाँ पे सीवरेज का, सड़कों का, जो लाइटिंग है उसके लिए वोट डाला है। और हमने जिस कैंडिडेट डाला है वो 100% जीतेगा। थैंक यू।